हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ हम लोग आए हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इस चैप्टर से आपका जेट में चार नंबर का एक सवाल रहता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से। नहीं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ने से पहले मुझे जानना है मोनोटोनोसिटी और मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनोसिटी क्या होता है? मोनोटोनोसिटी मोनो का मतलब एक होता है, और मोनो का मतलब कितना जगह, मोनो का मतलब एक, टोनोसिटी का मतलब रास्ता होता है। सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग मोनोटोनोसिटी इज यूज्ड टू स्टडी द टर्निंग ऑफ द कर्व। मतलब सिंपल हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसके बारे में जानेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिंपल सा बात हो गया कि कर्व किधर टर्न कर रहा है, किधर मूव कर रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का बेसिक बेसिकली यही है, बेसिक जो है यही है, मोनोटोनोसिटी इज यूज टू स्टडी द टर्निंग ऑफ द कर्व। मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम जो भी पढ़ेंगे वो सिर्फ ग्राफ किधर घूम रहा है, किधर मुड़ रहा है, उसी के बारे में हम लोग को जानना है। इससे पहले सबसे पहला टॉपिक मेरे पास है मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन व्हिच आर आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इन देयर डोमेन, इन देयर डोमेन, देन दे आर सेड टू बी मोनोटोनिक फंक्शन। कहने का मतलब मोनोटोनिक फंक्शन वो होगा जो तो या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। वैसा फंक्शन या तो इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे, दोनों हो सकता है। एक फंक्शन मतलब कहीं घटा कहीं बढ़ा, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई फंक्शन अगर इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, या तो सिर्फ इंक्रीज या तो सिर्फ डिक्रीज, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक फंक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। आप देखिए आगे मोनोटोनिक फंक्शन में, मोनोटोनिक फंक्शन क्या बोलेंगे उसको हम लोग? मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे, जैसे इसमें हम लोग कुछ ग्राफ लेते हैं, जैसे सिंपल सा बात है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, मान लीजिए ऐसा कोई ग्राफ है मेरे पास, कोई फंक्शन है वाई बराबर एफ एक्स का कोई फंक्शन। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये सिर्फ डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। नहीं, क्या कर रहा है ये फंक्शन क्या हो रहा है, देख सकते हैं क्या कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है ये? डिक्रीजिंग। इसका मतलब ये क्या, मेरा मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन। जैसा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कोई ग्राफ हो सकता है जो सिर्फ इंक्रीज करे, एक्स और वाई है, ये भी वाई बराबर एफ एक्स फंक्शन, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो ये भी मेरा क्या, ये भी क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक फंक्शन हो जाएगा, मोनोटोनिक फंक्शन। कहने का मतलब है कि अगर कोई ग्राफ या तो सिर्फ घट रहा है या तो सिर्फ बढ़ रहा है, ऐसे सिचुएशन में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक फंक्शन। तो एक बात यहां पर और आएगा, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, कि नॉन मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, एक बात यहां पर और क्या आएगा मेरा, एक आएगा क्या चीज, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, ध्यान देंगे यहां पे, सिंपल सा बात है कि लिखेंगे यहां पे नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, नहीं नॉन मोनोटोनिक फंक्शन में क्या होगा, आप फंक्शन भी सर, फंक्शन विच आर इंक्रीजिंग, विच आर इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। आ फंक्शन विच आर इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग इन देयर डोमेन, इन देयर डोमेन, देन दे आर कॉल्ड, देन दे आर सेड टू बी, देन दे आर सेड टू बी नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। क्या बोलेंगे उसको? नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। क्या बोलेंगे उसको? यहां के बाद आप जरा सा यहां लिख लेंगे, नॉन सेट टू बी, यहां के बाद यहां लिखेंगे सेट टू बी नॉन मोनोटोनिक फंक्शन।
कहने का मतलब है अगर नॉन मोनोटोनिक फंक्शन वैसे फंक्शन को बोलेंगे, वैसा फंक्शन जिसमें इंक्रीजिंग के साथ साथ डिक्रीजिंग दोनों काम एक साथ हो, वैसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? नॉन मोनोटोनिक। जैसे कि हम लोग ग्राफ देख सकते हैं कि नॉन मोनोटोनिक फंक्शन कैसा हो जाएगा, नहीं नॉन मोनोटोनिक फंक्शन कैसा होगा उसका हम लोग ग्राफ देख सकते हैं कि नॉन मोनोटोनिक फंक्शन कैसा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं, सिंपल सा बात है, हम लोग साइन के ग्राफ जानते हैं, ऐसा करके साइन का ग्राफ होता है, इसका मतलब कहीं पे इंक्रीज कर रहा है, देखिए तो यहाँ पे इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, तो ये वाई बराबर एफ एक्स का कर्व है, मान लो एफ एक्स साइन का एक्स है, वाई एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर यहाँ पर कितना दिया, कितना किसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है ना, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ही होता है। आप देख सकते हैं ये क्या है, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, क्योंकि इसमें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों एक साथ हो रहा है, ऐसा फंक्शन क्या बोलेंगे? नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। और भी ग्राफ हो सकता है ग्राफ नॉन मोनोटोनिक फंक्शन का, जैसा ऐसा भी हो सकता है, ये भी कोई ग्राफ है, मान लो सपोज y बराबर एफ एक्स कोई ग्राफ होगा, नहीं तो ये भी मेरा क्या है, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन नहीं। ध्यान देंगे बच्चों, यहां पे सबसे पहली बात है कि हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसका पढ़ेंगे, तो जो फंक्शन मोनोटोनिक होगा उसका हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ते हैं, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होता है, ठीक है ना, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन के मान लिया इसमें कहां पे इंक्रीजिंग कहां पे डिक्रीजिंग करेगा, लेकिन हाँ इसमें अगर इंटरवल दिया रहे तो भी इसका निकल जाएगा किसी इंटरवल, किसी खास इंटरवल के लिए, तो ये आपका हो गया मोनोटोनिक फंक्शन और नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। मतलब सिंपल सा बात है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है वो पूरा बेस्ड किस पर, टर्निंग ऑफ द कर्व पे, मतलब कर्व किधर मुड़ रहा है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना, स्टडी करना है टर्निंग ऑफ द कर्व। और मोनोटोनिक फंक्शन, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन को हम लोग समझे, मोनोटोनिक फंक्शन वो फंक्शन होता है, वैसा फंक्शन जिसमें या तो सिर्फ इंक्रीजिंग हो या फिर सिर्फ डिक्रीजिंग हो, वैसे फंक्शन को क्या करें, मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। और वैसा फंक्शन जिसमें इंक्रीज भी करता हो डिक्रीज भी करता हो, कभी घटा कभी बढ़ा, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। नहीं ध्यान देंगे यहां पर,